Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In our today's discussion, uh, I'm going to explain to you the Pakistan Penal Code. This is a substantive law uh, with regards to criminal legislation in Pakistan. I have already created a separate video where I explained the idea of criminal justice system in Pakistan whereby several different laws operate within this uh, system. Or आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा उसकी रीज़न ये है कि आ, पीनल कोड को समझना और उसकी डिटेल के अंदर जो ऑफेंसेज उसने और पनिशमेंट्स उसने ले डाउन की हुई हैं उनको किसी भी प्रैक्टिशनर जो पाकिस्तान के अंदर आ, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है ना सिर्फ वो बल्कि जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें गैट लॉ का एग्ज़ाम भी हो सकता है सी लॉ का एग्ज़ाम हो सकता है फ़र्दर मोर आपके जो मैजिस्ट्रेट या सिविल जज के एग्जाम्स हैं और इसी तरह एडिशनल सेशन जज या इवन जो पुलिस आ जो कि अंडर ट्रेनिंग हैं और अगर उनको पाकिस्तान पीनल कोर्ट पढ़ने की ज़रूरत है तो लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं बिकॉज ये एक लेक्चर होगा जिसके अंदर में सबस्टेंटिवली सारा जो कानून है इस पिनल कोड के अंदर तकरीबन जो ख़ास तौर पर जो ऑपरेशनल है देर आर सर्टन चैप्टर्स जो कि आप नोटिस करोगे कि जिसका डेली uh, बेसिस के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता तो उनको मैंने मेंशन ज़रूर किया है बट उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया uh, तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन होगी वो सारे उन सब्सटैंडव लॉज के ऊपर होगी दूसरी बात ये कि अगर आपने Uh, किसी स्पेसिफिक पार्ट को इस लेक्चर के अंदर से सुनना है तो मैं इसके जो टाइम स्लॉट्स हैं वो नीचे इसी वीडियो के साथ लिंक करूंगा देर फोर यू कैन लुक एट द चैप्टर्स और आपको जिस चैप्टर में हेल्प चाहिए या जो चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हो आप स्पेसिफ़िकली वो भी पढ़ सकते हो ये भी बताता चलूँ कि इसके साथ मैं एक और लेक्चर भी बनाऊँगा जिसके अंदर uh, हम लोग स्पेसिफ़िकली सर्टन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे या सर्टन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दी ऑफेंस ऑफ in इन पाकिस्तान इन इट्सल्फ इज़ सेपरेट डिस्कशन और इसी तरह uh, bodily injuries का एक बड़ा कॉम्प्लेक्सा चैप्टर है uh, चैप्टर तो नहीं है खैर वो एक पार्ट है part hai section 337 particularly तो उसको आज के लेक्चर में भी कवर करेंगे लेकिन उसके ऊपर स्पेसिफ़िक वीडियो भी हम क्रिएट करेंगे उसके बाद फिर इस लेक्चर के बाद जो फॉलोअप होगा दैट वुड बी दी प्रोसीजरल लॉ विच इज़ द सी Uh, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे सो लेट्स क्विकली डाइव इन टू द लेक्चर देखें जब भी आपने लॉ पढ़ना होता है कभी भी कोई स्टैचू आप खोलते हो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप खोलते हो तो सबसे पहले आप उसकी देखते हो uh, जिस दिन वो पास हुआ होता है या जो उसकी इन्फोर्समेंट डेट होती है ये दो दोलीदा चीज़ें होती हैं डेट ऑफ़ इनएक्टमेंट डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सो अगर आप पीनल कोड की सबसे पहले डेट देखते हो तो वो स्टार्टिंग में ही आपको प्रियम्बल के साथ नज़र आती है एंड दैट इज़ सिकस्थ अक्टूबर Uh, 1860. सिक्सटी सो दिस स्टैचूट और दिस कोड बेसिकली इज़ अ पी पार्टीशन लजस्लेशन और ये पाकिस्तान बनने से पहले बनाया गया था और इसको पहले इंडियन Penal कोड कहा जाता था ऑल इंडियन Penal कोड कहा जाता था और उसके बाद जब जाहिर पार्टीशन हुई तो इंडिया ने इसी को इनहेरिट किया और पाकिस्तान ने भी इसको इनहेरिट किया इंडिया वाले आज इसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं आईपीसी कहते हैं और पाकिस्तान इस पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड um so according to the preamble this law applies to all over the pakistan uh, jitni bhi uski territories hain to ye bhi ek important part hota hai ki hum start mein jo kuch certain definitions ke part hote hain preamble ke part hote hain usko somehow ignore कर देते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है आ, uh, इसको रीड करना बिकॉज ये उस स्टैचूट का स्कोप एक्सप्लेन कर रहा होता है तो मैं आपको एक वैसे टिप बता रहा हूँ जब भी आप कोई भी statute पढ़ें वो बेशक आप पाकिस्तान के लॉ का पढ़ें या यूके के लॉ का पढ़ें या का भी आप उसका थ्रू आउट स्टार्ट से एंड तक पढ़ें बिकॉज आपको उसके अंदर फिर एक क्लियर पिक्चर बनती है कि ये इस लॉ का स्कोप क्या है सो इट्स अ सब्सटैंटिव लॉ जैसे मैंने आपको बताया अब सब्सटैंटिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ लेट्स टॉक अबाउट दैट सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर डेफिनेशनज होती हैं जो लोग एल कर रहे होंगे और ख़ास तौर पे अगर तो आप एक्सटर्नल डिग्रीज़ कर रहे हो यूके बेस्ड डिग्रीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको एक काफ़ी चैलेंज आता है टू मूव टूवर्ड्स प्रोसीजरल लॉ उसकी रीज़न ये है कि यू की अंडर ग्रेज डिग्रीज़ के अंदर आपको प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ाया जाता प्राइमरीली आपको सब्सटेंटिव लॉ पढ़ाया जाता है यानी आप डेफिनेशंस देखते हो आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफ़िनेशन देखी ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिड्रेशन वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी और आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर भी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई हैं कि हामिसाइड क्या है मर्डर की क्या फॉर्म मर्डर में क्या डेफिनेशन होती है मैन स्लॉटर क्या होता है ग्रीवियस बॉडली हार्म एक्चुअल बॉडली हार्म ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो आप ये नहीं पढ़ते कि अगर एक ग्रीवियस बॉडली हार्म का केस आएगा तो वो किस कोर्ट में ट्राई किया जाएगा और किस तरह से ट्राई किया जाएगा एविडेंस की क्या स्टेजेस होंगी तो आप सब्सटैंडिव लॉ के ऊपर फोकस रखते हो आप प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ते आज का जो लेक्चर है जैसे मैंने आपसे बात की स्टार्ट के अंदर ही कि पाकिस्तान पीनल कोड एक सब्सटान्टिव लॉ यानी इसका कुछ सेक्शंस आपको उस ऑफेंस की डेफिनेशन बताएंगे कि उस ऑफेंस के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है उसका रियास क्या है विच इज़ दी प्रोहिबिटेड कॉन्डक्ट और उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेज या कॉजेशन और उसके साथ उसकी स्टेट ऑफ माइंड द गिल्टी माइंड दैट इज़ कॉल्ड द मेन्ज्रिया सो एक्टिस क्राइम एंड ऑफ कोर्स दबसेंस ऑफ द डिफेंसिस बिकॉज दिस कोड विवाइड सर्टन एक्सेप्शन विच वील डिस्कस इन डिटेल दैट आर डिफेंसिस अकॉर्डिंग टू द पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान सो इफ समन एक्ट और डज एनिशन विद इन द स्कोप ऑफ दैट एक्सेप्शन उसके ऊपर लाइबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होती इस कोड के मुताबिक और ये एक पूरा चैप्टर है जो इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को डील करता है सो so, as um, I have explained this substantive law provides the definition and also the sentences. So basically it provides the punishment whether there is going to be a fine, whether there is going to be uh, imprisonment and even in Pakistan for some limited uh, offenses, there is death penalty as well. So this statute lays down that all of those things. Whereas the CRPC uh, 1898 is the procedural law. And so collectively if क्रिमिनल लीगल सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं या क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाह रहे हैं सो आई थिंक इन एबसेंस ऑफ प्रोसीजरल लॉ आपको चीज़ समझ नहीं आती सो so इसी वजह से मैंने सबसे पहले सबस्टांटिव से स्टार्ट किया एंड आई मूव ऑन टू प्रोसीजरल और उसके बाद फिर एविडेंस का जो लॉ है इन पाकिस्तान इट्स कानून शहादत ऑर्डिनेंस तो हम उसको भी कवर करेंगे डिटेल में इसी फैशन के अंदर सो so मैंने जैसे आपको बताया के सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ कंजंक्शन में पढ़ना है यानी मिला के पढ़ना है तो फिर आपको पूरी चीज़ समझ आएगी ख़ास तौर पर जो हमारे सर्टन एरियाज़ हैं चैप्टर 16 के अंदर uh, जिसमें हॉमिसाइड का पूरा एरिया आ जाता है और बॉडली इंजरीज का एरिया आ जाता है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है कंपाउंडिंग की कंपाउंडेबल ऑफेंसेस तो वो ज़ाहिर है जब जब तक आप सी का सेक्शन 345 नहीं पढ़ोगे और स्केजुअल टू ऑफ द सी को नहीं देखोगे तब तक आपको कंपाउंडिंग की समझ नहीं आएगी सो so, इसलिए यह कहना बहुत ज़रूरी है कि Tono ko apne milake hai Now, this statue has extraterritorial effect in certain situations under section 3 and 4. Now, what is the meaning of the word extraterritorial? Extraterritorial means that even if certain offenses takes place abroad outside the uh, jurisdiction of Pakistan, in certain limited circumstances, this code might apply, for example, when we talk about conspiracy. So if someone is has planned an offense in Pakistan but has executed thereby in a foreign jurisdiction, दिस कोड कैन हैव इस एप्लीकेशन सो देर फोर दिस कोड इन सम लिमिटेड सर्कमस्टांसिस हैव एन एक्स्ट्रा टेरीटोरियल इफेक्ट सो अगर आपको ये वर्ड अवेयर नहीं था आप इसको नोट डाउन कर लें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसका मतलब ये होता है कि जब कानून अपनी जुरिस्टिक्शन से हट के किसी और जुरिस्टिक्शन पर जाकर भी अप्लाई होता है यानी कि अगर आपका जो एक्ट है या उमिशन है वो किसी और जुरिस्टिक्शन में टेक प्लेस हुई है और आप अपना कानून उस पर्टिकुलर इवेंट या एक्ट पर लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगाया जा सकता है दिस स्टैचूट हैज टोटल ऑफ फाइव हंड्रेड एंड एलेवन सेक्शंस सो काफी कॉम्प्रीहेंसिव है और बहुत डिटेल्ड है um, और ये एक अच्छी चीज भी है बिकॉज uh, जो लोग कॉमन लॉ जोरिस्डिक्शन से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स इवन पाकिस्तान एक कामन लॉ जूज डिक्शन है लेकिन हमारे पास जो कोर्ड्स हैं या जो जेजिसलेशन है वो काफ़ी डिटेल्ड है एज कम्पेयर टू यू के अगर जो आप मतलब आप ट्रेडिशनल कॉमन लॉ सिस्टम देखें तो वहाँ पर केस लॉ सारा क्रिमिनल लॉ डिफाइन कर रहा है प्राइमारिलसेप्ट फॉर सम प्रॉपर्टी ऑफेंस एंड क्रमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पर उसके लिए लहदा अलहदा स्टैचूज मौजूद हैं लेकिन आप होमेसाइड का पूरा एरिया देख लें कॉमन लॉ बेस्ड है इसी तरह आपका जो बॉडली इंजरीज़ हैं उसमें uh, आपका एक एटीन सिक्सटीज़ का लॉ है Offences against Persons Act, तो वो वो मौजूद है, लेकिन आर नॉट कंसॉलिडेटेड इन वन पर्टिकुलर स्टैचूट और वन पर्टिकुलर बुक सो इट्स नॉट कोडिफाइड इन वन फॉर्म मुख्तलिफ स्टैचूज हैं यहाँ पर क्या है कि एक ही पूरा स्टैचूट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल अफेंस हैं मैं अब यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ और वो ये बात है कि uh, इस स्टार्टिंग स्लाइड से आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका मतलब यह हुआ कि इसके अलावा कोई क्रिमिनल स्टैचूट एग्जिस्ट नहीं करता नहीं बहुत से स्पेशल लॉज भी हैं जिस तरह हमारे पास नैब ऑर्डिनेंस है फिर इसी तरह हमारे पास एंटी टेरिजम एक्ट है 1997 इसी तरह हमारे पास रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट पेका जो टू है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन सामने आई हुई है फॉर केटरिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तो हमारे पास नॉर्कोटिक्स के लिए अलहदा लॉ है आर्म्स uh, एक्ट अपना अलहदा है सो so, बहुत से लॉज जो हैं वो इसके साथ सप्लीमेंट कर रहे हैं और वो अलहदा से क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं सो so, दिस Uh, uh, Statute in total have 23 chapters or most of the chapters we will be covering in this particular lecture so let's talk about a bit of a background because whenever you start a law of si background pata honi all criminal offenses on pakistan are dealt under the legislation contained under the penal code this law was originally authored by lord macleay in 1860 on the behalf of the government of india as an indian penal code aapko ye point explain explained it was previously known as the all indian penal code after two कंट्री सेपरेटेड इन नाइनटीन फोटी सेवन पाकिस्तान इन्हेरिटेड द सेम कोड टू विच इट मेड से अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स बीच में हमारा एक प्रोसेस हुआ हुआ है दैट इज़ नोन एज द इस्लामाइजेसन प्रोसेस जिसके अंदर uh, जिया उल्ला गमेंट के पास से um, पाकिस्तान के अंदर शरिया के लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था अब उसका एक डायरेक्ट आपको फ्लेवर इस कोड के अंदर नजर आएगा खास तौर पर जब के प्राइवेट ऑफेंसेज हैं प्राइवेट ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर वो ऑफेंसेज हैं जिसके अंदर पार्टीज़ जो हैं वो उसको प्रोसिक्यूट करती हैं स्टेट का रोल लिमिटेड होता है उसके अंदर और उन्हीं ही आप कंपाउंडेबल ऑफेंसिस कहते हैं बेसिकली बॉडली हार्म एंड बॉडली इंजरीज एंड उसके साथ साथ आपके हमिसाइड uh, के जितने एरियाज़ हैं स्पेसिफिकली उसके साथ कुछ और भी एरियाज़ हैं फ्रॉड वगैरह के एरियाज़ हैं कुछ उसमें कंपाउंडेबल है कुछ उसमें नॉन कम्पाउंडेबल है सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट देर हैज़बीन सम चेंजेज़ विद इन द पीनल कोड Uh, that distinguishes this code from the original All Indian Penal Code. And of course, that is because when legislation inherits, Islamic provisions that are going be So the Indian and Pakistan Penal Codes were working on the same structure laid down by the British for penalizing criminal offenses. But after 1990s, the Pakistan Penal Code made some amendments to incorporate offences from sharia law due to the process of islamization i've already explained that especially in the area of homicide and bodily injuries to so, apkum particularly which terminology is definitely jo aapke liye thodi si complex hongi. but i will try to make them easier for you Up usko doting dafa 2 ho dafa ho to aapko hai. all right so let's start from chapter number two very important chapter because it is a chapter where there is Definition So, this is a chapter called Journal Explanation. This chapter contains all the important definitions and the meaning of words that are used within the statute. Important sections are section 8 that provides the gender, those statute use the word he, of course. Um, thoda sa law prejudice here, or uh, par, ek recent debate which is law is sexist bhi hai aur raha hai uh, patriarchy or patriarchal system, ki Baharal, whatever it is, it is. द थिंग इज़ के पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जहाँ पर ही का लफ्स इस्तेमाल हुआ हुआ है तो सेक्शन एट का ये uh, कहना है कि जहाँ पर ही है उसका मतलब दोनों जेंडर्स हैं उसका मतलब सिर्फ मेल जेंडर नहीं है सो so, इसने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया सेक्शन एट ने इसी तरह सेक्शन 11 है पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट सो ऑफकोर्स इफ़ देर इज़ एन एक्ट Um, in terms of fraud or some sort of forgery then uh, we're not just limited to uh, an individual we can also include company or an association or a partnership whatever the status of that particular body might be wrongful gain section 23 talks about it and loss is also defined dishonestly is defined intention of causing wrongful gain or loss. उसको डिसऑनेस्टली कहा गया है फ्रॉजुलेंटली सेक्शन ट्वेंटी फाइव टॉक्स अबाउट इट फोकस ऑन डी फ्रॉडिंग दैट इज़ इलीगली ऑप्टेनिंग गेन थ्रू डिसेप्शन सो फ्रॉड थ्रू डिसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये वर्ड्स आपको कॉमनली स्टैचूट के अंदर नजर आएंगे आपको ये वर्ड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉजुलेंटली नज़र आएगा सो so आपको इनकी डेफिनेशन देखनी है सो so, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रॉजुलेंटली का मतलब ये है कि किसी को डिफ्रॉड करना यानी किसी से कोई चीज़ गलत तरीके से डिसेप्शन से न करना काउंटर फिट का मतलब है टू रिजेंबल एज ओरिजिनल सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैंक नोट यानी आप लेट से हजार रुपए के नोट को बिल्कुल सिमिलर बना लेते हैं जो कि स्टेट बैंक ने पब्लिश नहीं किया हुआ आपने खुद बनाया है मशीन से या प्रिंटर से तो वो एक काउंटर फिट नोट कहलाएगा नाउ मूविंग ऑन टू दर्नर एक्सप्लेन सेक्शन ट्वेंटी सॉरी सेक्शन फोर्टी विच टॉक्स अबाउट दस offense means acts or omissions so of course pakistan penal code specifically talks about acts and also failure to acts which are known as omissions punishable under this law or other local or special law a special law is a is a law applicable to particular subject. So, for instance, it could be um, specifically for one particular area. As I gave example, the anti-terrorism act is specifically limited to the cases of terrorism. A local law a local law is law applicable to a particular part of the territories comprised in Pakistan. So yes, so there are certain local laws. Um, obviously, you know that Uh, जो uh, 18th अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद से प्रोविंस के पास भी प्रोग्रेटिव है लेजस्लेशन uh, का पहले भी था लेकिन अब उसने काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है और जिसकी वजह से आपको सर्टेन एरियाज़ में डिफरेंट लॉज uh, मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के कुछ एरियाज़ में लॉज डिफरेंट होंगे और पंजाब के कुछ लॉज डिफरेंट होंगे वो इनहेरेंटली तो उनको हार्मोनाइज किया जाता है लेकिन कुछ एरियाज़ में आपको उसमें डिफरेंसेस भी नज़र आएंगे सो द वर्ड इंजरी दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 44 टॉक्स अबाउट इट अ लॉट ऑफ पीपल आर व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ हर्ट यू टॉक अबाउट चैप्टर ऑफ नॉन फेटल ऑफेंसेज यहाँ पर हम लोग बॉडली इंजरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पर आप लोग समझोगे कि Hurt and injury is the same thing. No, Section 44 specifically explains the word injury. Injury denotes any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, or reputation or property. So, if I property be damaged, I have caused you injury. If I mentally, you know, uh, give you some sort of agony or pain, I have caused you injury. so for example, there is a whole um, section in pakistan penal code which talks about criminal defamation under 499 and section 500. so that there is injury to the reputation. right, there is no injury to the mind or there is no perhaps there can be injury to the mind as well. but as far as the reputation is concerned, it is also an injury. now, hurt is limited to bodily injuries only. so we have to distinguish between this word the word is injury versus hurt so we must distinguish so hurt ko hume distinguish karne. okay so the next word which you will find in the code and that has been uh, reused couple of time and that is the word vessel the word vessel denotes anything made for conveyance by water of human beings or of property so kasthi are ko it harbour एक्सेप्शन uh, अच्छा सेक्शन फिफ्टी टू ए हार्बर कहते हैं किसी को पनाह देने को पनाह देने को अब इसके ऊपर एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि हार्बर के अंदर अगर आपकी वाइफ आपको अपने घर मतलब से आप एक फ्रेंड्स में वांटेड uh, थे और आप भागे हुए थे मफरूर थे भागे हुए थे उस सूरत में अगर आपकी वाइफ आपको अपने घर या अप, आपके ही घर स्टे देती है तो शी इज़ नॉट गोइंग टू हार्बर यू बिकॉज उसकी एक्सेप्शन सेक्शन फिफ्टी टू ए ने दे दिया आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटिटी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज उसकी वजह से इसको एक एक्सेप्शन क्रिएट में रखा क्रिएट किया गया है बट अदरवाइज आपको किसी को भी पना देना जो कि एक बंदा वॉन्टेड है उसको हार्बरिंग कहते हैं अच्छा नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर टू जो जर्नल एक्सप्लेनेशन है उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास कवर किए हैं अगर आप उससे ज़्यादा डिटेल में सारे सेक्शन देखना चाहते हो तो फील फ्री आप उसको एक दफा रिव्यू कर लें नाउ पनिशमेंट्स का चैप्टर है चैप्टर थ्री एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 53 थ्री देर आर टेन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स दस टाइप हैं पनिशमेंट्स की जो कि पाकिस्तान पील कोर्ट ने आपको इस स्टैट्यूट के अंदर बताई हैं अब इनको जरा समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले आपके पास जो पनिशमेंट है दैट इज कॉल्ड सास क्या होता है इट मीन्स रिटेलिएशन दिस आइडिया कम्स फ्रॉम द इस्लामिक पनिशमेंट फॉर हामिसाइड एंड बॉडली इंजरीज कैसास मीन्स टू रिटेलिएट इसका मतलब होता है बेसिकली द आइडिया कम्स फ्राम द रोमन लॉ दैट इज लेक्स टैलियन दैट सिंपली मीन्स फॉलोइंग द सेम फूड स्टेप्स आप वही काम वापस करते हो तो इसको कुछ लोग आई फॉर एन आई भी कहते हैं इसको टूथ फॉर अ टूथ भी कहा जाता है सो दिस इज़ बेसिकली किसास और इसका इस्लामिक स्टूडेंट्स में एक बहुत डीप और आ, आ, एक गहरा मीनिंग है इसके बाद इसी कैसास के साथ यानी बदले के साथ आप इसको सिंपल ये कह सकते हैं कैसास मीन्स बदला रिटेलिएशन जिस तरह से आपके साथ हुआ उसी तरह से बदला लेना अब आप, आप सोच रहे हो कि सर अगर होमेसाइड में बंदा मर गया है तो हाउ कैन ऑफ कोर्स ही कैन नॉट रिटेलिएट ही इज डेड बट हिज ईयर्स जो उसके वसा हैं दे कैन रिटेलिएट और वो बदला लेते हैं लेकिन इसके अंदर हम आप देखेंगे कि स्टेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे नहीं है कि आपने ख़ुद अपनी तलवार निकाली और आप बदला लेने चले गए ये इस्लाम ने भी प्रोहिबिट कर दिया था और ये प्री इस्लामिक अरेबिया में ज़रूर होता था कि जिसकी वजह से एक दुश्मनी का सिलसिला बन जाता था लेकिन इस्लाम ने आके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया हुआ है और कुरान में स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया है डिटेल में कि किस सर्कमस्टांसिस में आपके साथ ले सकते हो सो so हम वो सारी बात भी डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट है आपका दियत दियत इज ब्लड मनी द कंपनसेशन दैट इज फिक्स्ड बाय द शरिया बाय दैचू ट वेल जो कि अगर एक बंदा डिसीज हो जाता है फोत हो जाता है मर जाता है आपसे कत्ल हो जाता है उस सूरत में आपको जो उसको कॉम्पनसेशन उसके एयर्स को देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड दियत उसके बाद तीसरा सो दिस इज द फर्स्ट वन फर्स्ट इज द बदला दूसरा इज द ब्लड मनी थर्ड अर्श अर्श और जो दमन है ये आपके दोनों कॉम्पनसेशन हैं बिल्कुल दियत की तरह Uh, दोनों हो so, यूज़ हो रहे हैं बॉडली इंजरीज़ के लिए सो अर्श भी यूज़ हो रहा है बॉडली इंजरीज़ के लिए और दमन भी यूज़ हो रहा है बॉडली इंजरीज़ के लिए एक फिक्सड है अर्श फिक्सड है दमन जो है वो डिस्क्रप्शनरी है सो so, ये इनके अंदर डिफरेंस है ऑफकोर्स इसकी वैल्यू दियत जितनी नहीं होती बिकॉज ऑफकोर्स बंधानी मरा uh, उससे काफ़ी कम होती है पाकिस्तान पीनल कोड इसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि किस वैल्यू के ऊपर अर्श दिया जाएगा किस वैल्यू के ऊपर दमन दिया जाएगा सो so, ये Uh, आपकी चार टाइप्स हो गई अब पांचवी टाइप है ताज़ीर दिस इज़ अगेन एन इस्लामिक पनिशमेंट जो कि आप इस्लाम ने काजी को इख्तियार दिया होता है काजी इज़ द जज जज को डिस्क्रेशन दिया होता है कि आप किसको किस तरह से पनिश कर सकते हैं सो so, वो तमाम पनिशमेंट्स जो कि हद या किसास में नहीं फॉल करती वो आपके ताज़ीर में फॉल करती हैं तो ताज़ीर की जो पनिशमेंट्स हैं वो डिस्क्रेशनरी होती हैं वो इंप्रजमेंट भी हो सकती है वो फ़ाइन भी हो सकता है वगैरह वग़ैरह सो so, आपके जितने भी ऑफेंसेस हैं जिसमें शरिया इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ पे आपको जो लाइबिलिटी नज़र आएगी वो या तो किसास होगी दियत होगी अर्श दमन होगी या फिर ताज़ीर के अंदर अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके कितना ज़्यादा किसास फॉलो हो रहा है दियत ऑफ़ कोर्स होती है अर्श भी है दमन भी है बट किसास के लिए एक बड़ा हाई एविडेंशियल स्टैंडर्ड है जो कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत लिमिटेड केसेस के अंदर हमें नज़र आता है अगर हम प्रैक्टिस की बात करें थ्योरी में तो ऑफ़कोर्स अभी क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और हम लॉ की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूर नज़र आएगा बार बार नज़र आएगा और हमें समझना भी है लेकिन आप अगर प्रैक्टिस की हद हाँ तक बात करोगे तो आपको पनिशमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा तज़ीर में नज़र आ रही होंगी और इसके अंदर भी ऐसे नहीं है कि उसमें डेथ सेंटेंसेज नहीं होते इसमें भी बड़ी सख्त पनिशमेंट है इन लाइफ इनप्रजरमेंट पे डेथ सेंटेंसेज हैं तो जो आपकी फिफ्थ टाइप हो गई वो ताज़ीर होगी सिक्स जो है वो डेथ सेंटेंस है फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सेक्शन 376 बी है गैंग रेप के बारे में और उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट जो थी उसके मुताबिक उसमें डेथ सेंटेंस है अब सेक्शन 375 जो रेप को एक्सप्लेन कर रहा है ये आ, कोई शरिया के अंदर से इनहेरिटेड नहीं है इनफैक्ट जो हदूद ऑर्डिनेंस था उसके अंदर जना और जना बिलजबर का कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस था लेकिन उसको वापस इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर द पीनल कोड और एक रेप का ऑफेंस क्रिएट किया गया है जो पहले भी मौजूद था लेकिन हदूद ने उसको कुछ टाइम के लिए आ, आ, उसको शिफ्ट किया था विद इन द हदूद ऑर्डिनेंस उसके अंदर कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशनस थी जिसकी वजह से कुछ मिस कैरेजिज ऑफ जस्टिस हुए और बहुत ज़्यादा हुए Uh, और अल्टीमेटली वो 2006 के बाद से रिवाइव uh, कर दिया गया इन टू वट वी कॉल एज द दिनल कोड सो डेथ सेंटेंस अब वहां पर बेसिकली स्टैचूट प्रोवाइड कर रहे हैं डेथ सेंटेंस इसी तरह इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ आप सेवेंथ इसको कह सकते हैं एट्थ इज इन सिंपल इंप्रजनमेंट इट कुड बी फॉर फाइव ईयर थ्री ईयर्स सेवन ईयर्स टेन ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स फोर्टीन ईयर्स जितना भी स्टैचूट ने लेआउट किया होता है फिर उसके बाद फोर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना uh, प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो सकती है खासतौर पर जो ऑफेंसेस ऑफ फ्रॉड वगैरह हैं फॉर्जरी है उसके अंदर क्योंकि आपने उसमें कॉम्पनसेट करना है ना और उसके बाद आपको एक कॉमन पेनल्टी नजर आएगी दैट इज फाइन सो इन पीनल कोड देर आर टोटल ऑफ टेन डिफरेंट पनिशमेंट सो क्या है कि सास दियत अर्श दमन ताजी डेथ लाइफ इनप्रिजरमेंट इन्प्र सिंपल इंप्रमेंट अब इसमें पीनल कोर्ट में जब हम बाहर निकलेंगे और सीआरपीसी की तरफ जाएंगे तो वी विल ऑल्सो लर्न द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेस पनिशमेंट एंड सिंपल पनिशमेंट सो वो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाना अटैच हो जाना और उसके बाद उसको सेल करके डिस्पोज ऑफ करके उसमें से कॉम्पनसेशन निकालना या फिर उसके बाद डायरेक्टली आप पे फाइन भी हो सकता है उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो हमारे पास आ, कुछ और रेलिवेंट सेक्शंस हैं इसी चैप्टर में से जो पनिशमेंट का चैप्टर है और वो क्या हैं सो कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस सेक्शन 54 फोर कॉम्यूटेशन कहते हैं कम करने को इसका स्वाबदी ऑफ डेथ सेंटेंस सो बाई फेडरल एंड प्रोवेंशल गवर्नमेंट्स सो हकूमत वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोवेंशल गवर्नमेंट होगी लेट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनके पास ये इख्तियार है कि वो डेथ सेंटेंस को कम करके आ, कम्यूट कम्यूटेट करके किस में कन्वर्ट कर दें लाइफ इम्प्रजनमेंट में कन्वर्ट कर दें या इवन उससे भी कम कर सकते हैं सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट सेंटेंसेस फॉर एम्प्रजनमेंट ऑफ लाइफ उसको भी कम किया जा सकता है सेक्शन 73 टॉक्स अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नाउ सोलिट्री कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है सिंपल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बड़ी सख्त पनिशमेंट है जो कि किसी को अवॉइड की जाती है अगर अगर वो बंदा जो प्रेजेंट रूल्स के मुताबिक बिहेव ना कर रहा हो वो बाकी कैदियों के लिए डिफ़िकल्टीज कॉज कर रहा हो लड़ाइयाँ कर रहा हो और डेंजर हो तो उसको कैद तन्हा में रखा जाता है विच इज़ कॉल्ड सॉलिट्री कन्फाइनमेंट उसमें उसको किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है लेकिन इस कोर्ट ने साथ ही ये बता दिया कि वेयर देर इज़ अ रिग्रेस पनिशमेंट सॉलिट्री कन्फाइनमेंट कैन बी अवॉर्डेड हाउर नॉट एक्सीडिंग थ्री मंथ्स एज अ होल सो टोटल आपको तीन मंथ्स होती है और उसके भी इंटरवल्स बताए हुए हैं लिमिट ऑफ सॉलिड्री कन्फाइनमेंट जो है उसको सेक्शन 74 बताता है कि कितने टाइम इंटरवल्स के अंदर आप उसको रख सकते हैं सो so, अगर आपने इंटरवल्स देखने हुए प्लीज़ इसको यहाँ पर जाके देख लीजिएगा कि, कि तीन सात दिन पंद्रह दिन किस इंटरवल्स के साथ इसको रखा जाता है इसी तरह सेक्शन सेवेंटी फाइव इनहस पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसिस अंडर चैप्टर ट्वेल्व नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सॉरी दिस सेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप सोच रहे हो कि अगर एक सेंटेंस जज ने दी है लेट्स से जज ने आपको सज़ा दी कि जी आपको तीन साल कैद होगी इज़ इट पॉसिबल फॉर द स्टेट कि आपकी सज़ा को ऐड ऑन कर दिया जाए बिल्कुल इवन जज भी कर सकते हैं और स्टेट भी कर सकती है अच्छा जजेस कब किस तरह सेंटेंस को इनहेंस कर सकते हैं अगर उनके पास एक केस आता है जहाँ पर जो डिफेंडेंट है जो एक्व है वो हिबिचुअल ऑफेंडर है यानी बार बार उन सर्टेन ऑफेंसेस को कर रहा है आप कंसीडर कर लें यहाँ पर चैप्टर ट्वेल्व के ऑफेंसेस को काउंटरफिट ऑफ कॉइन को अगर एक बंदे को उस सेक्शन के मुताबिक सजा मिलती थी, थी तीन साल लेकिन उसका वो चौथी दफ़ा उसी जुर्म के अंदर पकड़ा गया है तीन दफ़ा वो कन्विक्टड है तो अब चौथी दफ़ा उसको सजा तीन साल की बजाय जज के पास डिस्क्रेशन है कि वो ज़्यादा कर सकता है इसी तरह चैप्टर 17 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इफ द डिफेंडेंट हैज ऑलरेडी सर्व थ्री इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड येट नॉट एंड येट हैव कमिटेड ऑफेंस अगेन देन द सेंटेंस में एक्सटेंड टू फोटीन सो अगर तीन साल उसकी सज़ा थी लेकिन बार बार वो बंदा कर रहा है तो उस सूरत में क्या हो सकता है चौदह साल तक की सज़ा हो सकती है सो so, आपके पास ये जुडिशल पावर है एक किस्म की जहाँ पर आप अगर देखें कि एक बंदा अपने कामों से so, ये सो बेसिकली ये रेट्रीब्यूटिव भी है और ये डेटरेंट भी है ये सेक्शन बिकॉज इससे आप दुरुस्तगी भी कर रहे हैं किसी शख्स की और उसके साथ साथ उसको इस हद तक डिटर uh, भी कर रहे हैं कि दोबारा कोई शख्स ऐसा जुर्म ना करे ना चैप्टर फोर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर थ्री के बाद पनिशमेंट्स के चैप्टर के बाद चैप्टर फोर आ जाता है और यह सेक्शन जो है 76 सिक्स से स्टार्ट हो रहा है और वन जीरो सिक्स तक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है 76 सिक्स से लेके वन जीरोक्शन सेवेंटी सिक्स टू वन जीरो सिक्स ऑफ कोड अब ये सेक्शंस क्या हैं ये बेसिकली आपकी डिफेंसिस हैं कि किस सूरत में अगर किसी शख्स से जुर्म होता भी है तब भी उसको सजा नहीं मिलेगी आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे हो इस चार्ट के अंदर बहुत सी ऑफेंसेस मेंशन है सॉरी डिफेंसिस मेंशन है अब उनके लिए जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसकी बात करते हैं तो पहली जो आपकी डिफेंस है दैट इज मिस्टेक मिस्टेक दो तरह की होती है जनाब मिस्टेक एज टू फैक्ट है एंड मिस्टेक एज टू लॉ है सो मिस्टेक एज टू फैक्ट सेक्शन 76 में दी गई है और मिस्टेक एज टू लॉ 79 में दी गई है फैक्ट क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि आपके घर में एक लेट uh, से कोई जानवर घुस आया है किसी भी फॉर्म का और आपने उसको शूट कर दिया आम और उस वो पता लगा कि अंधेरे में वो जानवर नहीं था वो एक बंदा था और उसको जो है वो सीरियस इंजरीज आई हैं सो so उस सूरत में वो एक फैक्चुअल मिस्टेक आपने कमिट की है आप किसी को मारना नहीं चाहते थे तो आप तो जानवर को मारना चाहते थे जो कि आपको लगा कि एक वाइल्ड एनिमल है और वो आपके घर में आके चीज़ें डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है इसी तरह लॉ के अंदर क्या हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस पुलिस को ये लगा कि एक बंदा जो है वो रॉबरी करके बाइक के ऊपर जा रहा है और उसके साथ उन्होंने मास्क सा पहना हुआ है तो पुलिस ने आ, उसको रोकने की कोशिश की वो नहीं रुका तो उसने शूट कर दिया पुलिस ऑफिसर ने और ये क्या हुआ उस बिकज़ कान पुलिस का ऑफिशियली का काम है कि वो किसी क्राइम को रोकें तो उस सूरत में जब उसने शूट किया शूट तो उसने बंदे को ही किया फैक्चुअली उसने गलत नहीं किया लेकिन उसने लीगली ये समझा कि ये मेरा राइट है कि मैं इसको शूट करके रोकूं। अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है तो वो मिस्टेक एज टू लॉ है इसकी एग्जैम्पन है इस सूरत में आपको सेंटेंस नहीं हो सकती दूसरी आपकी क्या है जी थोड़ा जूम इन कर लेते हैं दूसरी आपकी एक्सेप्शन uh, है जुडिशल एग्जैम्पन्स अंडर सेक्शन सेवनटी एंड सेवनटी तो ये अगर आप नोटिस करें तो ये एग्जैम्पन्स वो हैं जो इस्तना दिया गया है जजेस को या वो लोग जो जज के ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे होते हैं सो अगर पुलिस लेट्स से सेक्शन 22 ए ऑफ सीआरपीसी के तहत किसी को अरेस्ट करती है यानी एक एफआईआर रजिस्टर होती है जुडिशल प्रोसेस के थ्रू और वो अरेस्ट करती है तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये अनलॉफुल अरेस्ट है या वगैरह 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 क्योंकि उसको एक इस्तना हासिल है जजेस जो खुद काम कर रहे होते हैं सेवनटी उसके ऊपर बात करता है और सेवनटी उस उस बारे में बात करता है कि वो लोग जो जुडिशियल अथॉरिटी के नीचे काम कर रहे होते हैं उनको भी एक्सेप्शन हासिल है सो so, दो डिफेंसेस पढ़ ली हमने सो so, पहली क्या थी मिस्टेक एज टू फैक्ट एंड मिस्टेक एज टू लॉ फैक्ट कहां पर है सेवेंटी सिक्स में लॉ कहां पर है सेवेंटी नाइन में जुडिशियल एग्जेम्पन कहां पर है सेवनटी सेवन और 78 एट में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जुडिशियल एग्जेपन का क्या मतलब है इट इज बेसिकली एन इम्यूनिटी गिवन टू द जज वेन ही इज एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी एंड ही पासेज एन ऑर्डर लेट से वो किसी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करता है सो so, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आ सकती बाद में कि आपने क्यों की थी डेथ सेंटेंस सो आपके बहुत से मिसकैरेजिज ऑफ जस्टिस हुए हैं अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जहां पर जुल्फ़िकार अली भुटो वाला जिसके अंदर उनकी डेथ पेनल्टी को इल, इलीगल समझाया गया है और कहा गया है सो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है जानी इतनी देर बाद होल्ड किया है लेकिन क्या जिन जजेज़ ने उसको सेंटेंस अवॉर्ड की थी वो बी बे, बी एड तो द ट्रायल कोर्ट द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट क्या उनको वापस आप ट्राई कर सकते हो नहीं इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उनको इस्तना हासिल है द थर्ड डिफेंस और एन एक्सेप्शन फॉर कमिटिंग अ क्राइम इज़ एन एक्सीडेंट अंडर सेक्शन एटी सो एक्सीडेंट हो जेनुअन एक्सीडेंट हो उसमें कोई नेग्लिजेंस ना हो कोई रैशनेस ना हो हती के आप देखेंगे कि आपके पिनल कोड के अंदर नेगलिजेंट और रैश ड्राइविंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस जरूर है और इसी तरह नेग्लिजेंस के भी बहुत सी ऑफेंसेस आपको नजर आएंगे लेकिन यहां पर बात हो रही है प्योरली आप अपना काम कर रहे थे बिल्कुल एक्ट ऑफ गॉड हुआ है कोई चीज ऊपर से गिर गई लैंडस्लाइड आ गई उस सूरत में वो कोई चीज़ जो नहीं होगी फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का आपका लेबर वहाँ पे काम कर रहा था उन्होंने अपना सेफ्टी गियर भी प्रॉपरली पहना हुआ था लेकिन अल्लाह की तरफ से एक लैंडस्लाइड आती है और उस लैंडस्लाइड में एक एक्सीडेंट हो जाता है कुछ लोगों की जान चली जाती है तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी बिकॉज दैट इज़ प्योरली एन एक्ट ऑफ गॉड वो एक्सीडेंट था हमारे कानून के अंदर नेसेसिटी भी एक डिफेंस है uh, कोर्स नेसेसिटी का स्कोप लिमिटेड है इसका ये मतलब नहीं है कि नेसेसिटी की बुनियाद पर आप किसी बंदे को मार दें ये सिर्फ सेक्शन 81 के मुताबिक उस तरह की डिफेंस है जहाँ पे लेट से एक आग लग गई और और उस आग में कुछ बच्चे फंसे हुए थे अब उसको निकालने के लिए आप सात वाले घर में जाते हैं और सात वाले घर से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं सो so, सबसे पहले तो आपने सात वाले घर में जब आप एंटर हुए तो आप ट्रेस पासर के तौर पर एंटर हो रहे थे तो so, सेक्शन 447 जो आगे जाके हम पढ़ेंगे जो पनिशमेंट फॉर ट्रेस पासिंग है वो अप्लाई हो सकता है क्यों नहीं अप्लाई होगा बिकॉज सेक्शन एटी के अंदर नेसेसिटी थी ज़रूरत थी यू आर डूइंग ग्रेटर गुड ग्रेटर ईवल वर्सेज लेसर ईवल वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर यानी आप काम तो गलत कर रहे हैं लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा एक बड़ा ईवल हो जाएगा और वो क्या था कि उन बच्चों की डेथ हो सकती थी सो आपने क्या किया क्या कि आपने ट्रेस पास किया और उसी बाद आपने उनकी खिड़की तोड़ी तो मिसचीफ भी हो गया सो क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी जो कि अगेन आपके पिनल कोर्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है तो वहाँ पर आपको दोनों के लिए एक्सेप्शन मिलेगी उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफेंस डॉली इनके पैक्स यानी बेसिकली माइनर्स की अब डॉली इनके पैक्स का मतलब होता है समवन हु समल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम सेक्शन 82 टॉक्स अबाउट दोज इंडिविजुअल्स दो चिल्ड्रन एक्चुअली हु आर लेस देन ऑफ सेवन और सेवन यानी सात साल की उम्र से कम अगर किसी से कोई जुर्म हो जाता है तो एज पर सेक्शन 82 टू दैट इज नॉट अ ट इज नॉट गोइंग टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज वो बच्चा मासूम है इनोसेंट है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है फिर इसी तरह सेक्शन 83 एक और एज ब्रैकेट बताता है हमें तो मैंने आपको क्या बताया 82, 82 क्या है फॉर लेस देन सेवन सो अगर सात साल से कम है तो कौन सा सेक्शन 82। अगर सात साल से बड़ा है सात साल का या सात साल से बड़ा है लेकिन बारह साल से छोटा है तो उसके लिए क्या है सेक्शन एटी थ्री है एटी थ्री क्या कहता है कि अच्छा ठीक है ये बंदा बच्चा है तो मासूम लेकिन कोर्ट इसको डिटर्मिन करेगी कि क्या आया उसका मेच्योरिटी लेवल इस जगह पर नहीं है कि उसको सजा दी जाए या दी जाए सो so ये एक डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट पे है और वो सरक्रम्स्टांशली देखेगी कि क्या आया उस पर सेंटेंस करनी है या नहीं करनी ऑफ कोर्स उसको जुवेनाइल में ट्रीट किया जाएगा लेकिन लेट्स से कि बच्चा 12 साल का था लेकिन उसका जो माइंड था वो इतना मिच्योर था कि वो तेरह चौदह साल के बच्चे या पंद्रह साल के बच्चे वाली बातें कर रहा था तो उस सूरत में जोबिना जैसे सिस्टम की तरफ जाया जा सकता है उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सो so अभी तक हमने क्या क्या डिफेंसिस पढ़ ली पहली हमने पढ़ी मिस्टेक एज टू फैक्ट एंड मिस्टेक एज टू लॉ दूसरी क्या पढ़ी जुडिशियल एग्जामिशंस तीसरी एक्सीडेंट्स चौथी नेसेसिटी पांचवी डॉली इनके पैक समपेबल ऑफ कमिटिंग द Crime. Now, let's talk about the fifth one. This is, uh, sorry, sixth one. My apologies. Sixth one is insanity. Now, section 84 talks about insanity. Insanity means someone who is mentally not sane. Um, यानी उसका दिमागी तोज़ुन दुरुस्त नहीं है ऑफ़कोर्स देर हैज़ टू बी ए डिज़ीज़ ऑफ़ माइंड जो कि डिटर्मिन होगी मेडिकल uh, जो बोर्ड है या मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको बताएँगे कि आया दिस पर्सन इज़ इंसैन और नॉट अफकोर्स हम सी आर पी सी में देखेंगे कि हमारे पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं इंसानिटी एज अ प्ली को भी आप ले सकते हो डायरेक्टली एज अ डिफेंस ले सकते हो वैन यू आर डीलिंग विद अ क्रिमिनल ट्रायल बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास वो भी एक सिचुएशन होती है जहाँ पर एक बंदा मेंटली सेन नहीं है और इस कैपेसिटी में नहीं है इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो अपना ट्रायल लड़ सके तो वहाँ पर भी आप उस चीज़ को टेकअप कर सकते हो सो so, इंसैनिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्ली है लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन है ये मेडिकली प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे थे यू डोंट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ योर एक्ट्स इन सच अ मैनर तो आपको इंसैनिटी की एक्सेप्शन या डिफेंस मिल जाती है उसके बाद आपकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस uh, है इन वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन अच्छा यहां पर ही साथ ही आप देखिए कि 86 जो है वो वॉल्ट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है सेक्शन 85 बात कर रहा है इनवॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ कि आपके ड्रिंक को किसी ने स्पाइक कर दिया आपको पता नहीं था फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई दवाई घोल के पिला दी गई या आपको मेडिकल कोई नेसेसिटी की वजह से कोई दवाई दी गई थी जिसका इफ़ेक्ट ये था कि आप इंटॉक्सिकेटेड हो गए तो उस सूरत में तो आपको एक्सेप्शन या डिफेंस मिल सकती है कि किसी और ने आपको इंटॉक्सिकेट किया हाँ ऑफकोर्स अगर वो क्रिमिनल इंटेंट से किया गया है तो जिसने किया है उसको तो सजा मिलेगी लेकिन एज़ फार एज़ आपके आपकी जो लाइबिलिटी है उसको एक्सेप्शन मिल सकती है अब इसके कॉन्ट्ररी आप देखें कि सेक्शन आपका जो 86 है उसके अंदर वॉल्ट्री इंटॉक्सिकेशन का जिक्र है यानी अगर आपने खुद से से अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या फिर आपने खुद से किसी तरह के ड्रग्स ले लिए तो वो कोई डिफेंस नहीं है पाकिस्तान के कानून के अंदर आ, उसकी बेसिस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे मेरे पे लाइबिलिटी नहीं आएगी सो इवन हती अगर किसी ने इंटॉक्सिकेट हो के आ, किसी को कत्ल किया है तो वहाँ पर भी उसकी लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हो सकती है बिकॉज़ ये एक्सप्रेस प्रोविज़न है पिनल कोड की कि वॉल्ट्री इंटॉक्सिकेशन इज़ नो डिफेंस इसी तरह हमारे पास तो इंटॉक्सिकेशन दोनों को मैं इकट्ठे कर देता हूँ ये इंटॉक्सिकेशन दो, दो, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया एंड आई विल जस्ट कॉल इट द सेवंथ वन तो इंटॉक्सिकेशन होगी द नेक्स्ट वन इज कंसेंट कंसेंट का क्या मतलब होता है इजाजत जब आपको कोई बंदा इजाजत दे देता है किसी चीज़ की सो so, कंसेंट uh, की जो डिफेंसिस हैं वो सेक्शन एटी सेवन से लेकर नाइन्टी टू तक डिस्कस हुए हुए हैं किसकी कंसेंट uh, वैलिड होती है क्या एक माइनर की कंसेंट वैलिड हो सकती है नहीं हो सकती ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं बेसिक आइडिया कंसेंट का क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है वो आपका ऑपरेशन करता है और ऑफ़कोर्स उसने कट भी लगाना है लेकिन वहाँ पर आपने उसको प्रॉपर कंसेंट दी है उस कट लगाने की वैसे तो अगर आप किसी को कट लगाते हो मेडिकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो वो तो एक बहुत सीरियस जुर्म हो सकता है लेकिन क्योंकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो कंसेंट के साथ कर रहा है तो वहाँ पर कोई जुर्म नहीं होगा इसी तरह लॉफुल स्पोर्ट्स जो हैं आप गेम्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसके अंदर आ, बॉक्सिंग हो गई वगैरह वगैरह फुटबॉल हो गया उसके अंदर जो चोट वगैरह लगेगी वो भी कंसेंट के ज़ुमरे में आएगी फिर इसी तरह एक और डिफेंस है हमारे पास ये मैंने कंसेंट एट्थ बना दी नाइन्थ है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ सो अ लॉट मनी टाइम्स आप गलत तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हो सो so, वो कैसे हो सकता है फ़ॉर एग्जांपल आप एक फ़ेक न्यूज़ दो किसी को कि फ़लाँ तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है और अगला बंदा इतने ज़्यादा इंजरी उसको सफ़र हो यानी उसको मेंटल शॉक भी लगे और हो सकता है वो बेचारा बीमार भी, भी हो जाए उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है हार्ट फेल भी हो सकता है जो भी होता है उसको तो वो तो बैड फेथ में कम्युनिकेशन किया गया बिकॉज ऐसी बात रियलिटी से बहुत दूर थी लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन जेनुनली गुड रीजंस के लिए किया गया यानी उसको वाकई ये लगा और ऑनेस्टली लगा कि यार इसके भाई की डेथ हो गई है और वो उसको सिर्फ़ एक इन्फॉर्म कर रहा था कोई उसमें मिसचिफ नहीं थी उसकी कोई उसमें बदनीति नहीं इन्वॉल्व थी तो उस सूरत में उसको एक एक्सेप्शन मिलेगी वो है कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बता दिया भाई आपके मरीज़ को लेट्स एक बिल्कुल लाइलाज सा मर्ज़ है अब उसके बाद अगर कोई बंदा उस न्यूज़ को सुन के उस बात को सुन के उस कम्युनिकेशन को सुन के घबरा जाता है और उसको कोई मेंटल एगनी वगैरह हो जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा बिकॉज ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया गया ड्यूरेस सेक्शन 94 सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन ड्यूरेस जनाब कहते हैं उस चीज को जहां पर आपसे कोई जबरी तौर पर काम करवाया जाए गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेस अंडर सेक्शन 94। फोर सो ड्यूरेस ये है कि आपको कोई आके मजबूर करे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बैंक से चोरी करके लाओ नहीं तो मैं आपके बच्चों को मार दूंगा नहीं तो मैं आपको मार दूंगा या वगैरह वगैरह लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है और वो है मर्डर एंड नॉट टू वॉल्टरली लेल्फ इन सिचुएशन सो so, पहली एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने ड्यूरेस में किसी का कत्ल किया है तो उसके लिए आप देखोगे कि 301 से ले 303 थ्री तक आपके पास एक स्पेसिफिक लॉ मौजूद है जो ड्यूरेस को पर्टिकुलरली डील कर रहा है और किस तरह से डील कर रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली डील कर रहा है दो तो पार्ट्स में उसने उसको डिवाइड किया हुआ है सो ड्यूरेस जो है वो बाकी हर चीज़ के लिए डिफेंस हो सकती है नॉट फॉर कत्ल कत्ल के लिए उसकी एक लिमिटेड एप्लीकेशन है वो जब हम जाके हमेसाइड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे सो so, ड्यूरेस क्या हुआ कि जबरी तौर पर किसी से काम कराना उसकी दूसरी एक्सेप्शन क्या है और इसी सेक्शन में आपको वो मिल जाएगी कि आपने जानबूझ के अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं लेके आना कि अगला आपको ड्यूरेस करे तो so, तब आप करोगे करोगी ओके यू गेट एन एक्सक्यूज टू कमिट द क्राइम ऐसे नहीं हो सकता सो so, इसी तरह हमारे पास एक और इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ द टेंथ डिफेंस और उसी तरह हमारे पास आ, जो एवरीडे की इश्यूज हैं जिसमें माइनर हर्ट्स वगैरह आ सकते हैं सो निगलिजिबल कि नो रीजनेबल पर्सन वुड कंसीडर देम एज क्रिमिनल ऑफ़ नेचर सो फॉर एग्जांपल किसी के कपड़े आप आप, आप बाज़ार में चल रहे थे आपका उसका कंधा टच हो गया अब दिस इज़ नॉट एन असॉल्ट दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे पास असॉल्ट की अपनी एक डेफिनेशन है हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे सो so, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक्सीडेंटल टचिंग या मतलब जो बेसिक आम मदा की जिंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं जिनको कोई बंदा एक जुर्म नहीं समझेगा कोई रीजनेबल आदमी को जुर्म नहीं समझेगा वो उनको एक्सेप्शन हासिल है उसको आप क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं कन्विक्ट करते अच्छा हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस है और जो तकरीबन तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में आपको नजर आती है दैट इज द डिफेंस ऑफ सेल्फ डिफेंसो हम प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं सेल्फ डिफेंस सेक्शन नाइन्टी सिक्स एंड वन से 106 तक एक्सप्लेन हुई, हुई हुई है सो so, सेक्शन 96 और 97 पर्टिकुलरली उसको एक्सप्लेन करता है अब वो क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स को ये खतरा था कि उसके जान उसके माल या उसके किसी और जानने वाले को यानी या ना भी जानने वाला हो कि कोई और शख्स भी हो रैंडम स्ट्रेंजर हो कोई शख्स अपने जान माल या किसी और शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करता है तो वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आती है अब रीजनेबल फोर्स क्या है इसके साथ साथ जो पहला पॉइंट है पाकिस्तानी लॉ के अंदर ऐसे नहीं है कि आप इग्रेसर खुद बन जाएं। आप सेल्फ डिफेंस तब तक ले सकते हैं सेक्शन 96, 97 के अंदर जब तक आप वीकर एंड पे हो रिसीविंग एंड पे हो। और जो परपिट्रेटर है जो डिफेंडेंट है इस सिचुएशन में वो आपसे हायर फुटिंग पे हो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है इस पॉइंट को जरा समझिएगा कैसे मसलन इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां पर एक लड़ाई थी और एक बंदा वेपन लेके आपकी तरफ आ रहा था आपके हाथ में उस वक्त ईंट आई पत्थर आया डंडा आया आपने जो भी पकड़ लिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया एंड यू आर एबल टू गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन आपकी डिफेंस वैलिड होगी क्योंकि उसके पास वेपन था उसके पास एक फायर आर्म था राइट लेकिन सिचुएशन नंबर टू क्या है सिचुएशन नंबर टू यह है कि इमेजिन कीजिए कि वो बंदा आपको मारने के लिए आ रहा था और उस कोर्स ऑफ डीलिंग में आपने उसको डिसआर्म कर लिया डिसआर्म कर लिया यानी आपने उसे वेपन ले लिया उसके बाद आप क्या करते हो कि उसी वेपन को अब क्योंकि अब वो निहत्ता है उसके पास कोई वेपन नहीं है और आपके पास वेपन है अब आप क्या करते हो कि आप उसी के वेपन को इस्तेमाल करके उसको मल्टीपल टाइम शूट करते हो तो यहां पर सेल्फ डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगी क्यों क्योंकि अब आप एग्रेसर बन गए हैं और वो वीकर पार्टी बन गया है तो इस सूरत में उसको शूट करना या किल करना रीजनेबल बिल्कुल भी नहीं होगा ये एक्ट ऑफ रिवेंज में आ जाएगा हाँ आप उसको डिटेन जरूर कर सकते हैं आप उसको कन्फाइन जरूर कर सकते हैं आप पुलिस के आने तक उसको रिस्ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं मैंने मुख्तफ वर्ड यूज़ किए हैं डिटेंशन रिस्ट्रेनिंग ये आगे हम जाके इनको कवर करेंगे कि जो कि इन इट सेल्फ एक क्राइम है लेकिन वो सेक्शन 96 के अंदर फॉल करेगा क्यों फॉल करेगा बिकॉज आपने वो रीज़नेबल स्टेप्स ले लिए टू मिटिगेट द डेंजर एंड टू मेक श्योर कि जो बंदा जुर्म कर रहा था उसको आपने रोका है तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझना है कि पाकिस्तानी लॉ डज नॉट अलाउ यू कि आप जब कोई बंदा डिसआर्म हो जाए या आप पावर में आ जाए स्ट्रेंथ में आ जाए तो आप उसके बाद सेल्फ डिफेंस लें नो यू हैव टू बी द वीकर पार्टी अब ये आपको प्रूव करना है कि आप वीकर पार्टी थे और उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ थी तो ये आपकी जो डिफेंस है दिस इज द इलेवेंथ वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 96, 97 और 106 को एक दफा जरूर रीड कर लीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन सेवन से लेकर वन जीरो सिक्स तक बहुत सी डिफेंसिस एंड मिस्टेक है जुडिशियल एग्जामेशन कंसेंट कम्युनिकेशन ड्यूरेस एंड माइनर इंजरीज अलॉन्ग इंपॉर्टेंट वन दैट इज सेल्फ डिफेंस कंटेन नाइन सिक्स एंड नाइनटी सेवन सो याद रखिएगा सेवन से एक सौ छह तक डिफेंसेस मौजूद हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वो नेसेसिटी है एटी वन इंसानिटी है एटी फोर और सेल्फ डिफेंस है 96 97 से 106 तक बाकी ऑफ कोर्स ड्यूरेस्ट 94 में है सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ जरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जामेशन आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती इन वॉलेंट्री डॉक्शन आपको बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती माइनर हर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती हैं एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन इन गुड फेथ भी ही नज़र आती हैं सो so, ये बहुत सी डिस्कस सारी हुई है, हुई हैं डिटेल में बताई हुई हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लेसन इंपॉर्टेंट है अच्छा अब आगे चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ना अबेटमेंट का क्या मतलब होता है देखिए एक बंदा जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है प्रिंसिपल उस बंदे को कहते हैं जो असल में काम कर रहा होता है उसके पीछे भी बहुत से लोग होते हैं जो उसको सहूलतकारी कर रहे होते हैं जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं उसको एड कर रहे होते हैं उसको मदद फरहम कर रहे होते हैं और मदद किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो साथ जा कर भी हो सकती है दो या दो से ज़्यादा लोग मिल काम कर सकते हैं या वो इस तरह से मदद हो सकती है कि वो उसको प्लान कर दे यानी उसकी सारी प्लानिंग वो कर दे उसको इनक्रेज वो करे भाई तुम जाके जुर्म करो भाई तुमने फलां से बदला लेना है तुम मारो उसको जाके सो उसको इनकरेज कर रहा है इसी तरह बैंक लूटना है तो उसके अंदर पूरी प्लानिंग कर रहा है नक्शे ला के दे रहा है इसी तरह वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है रॉबरी के लिए या डिकॉयटी के लिए वो उसमें भी कंस्पेरेसी हो सकती है तो हमारे पास ये तीन वर्ड्स कंसिडर करने हैं आपने और ये इसके लिए जो कानून है वो 107 109 है आप आपने कॉमनली सुना होगा कि 109 के अंदर जी उसको गिरफ्तार कर लिया 109 क्या होता है 109 109 नौ वन जीरो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड इंटरेस्टिंगली जो प्रिंसिपल ऑफेंडर काम कर रहा होता है उसी से मिलती जुलती आपको पनिशमेंट मिलेगी अभी हम 109 में देखेंगे कि अबेटमेंट यानी अगर आप किसी भी तरह से एड कर रहे हो इनकरेज कर रहे हो कंस्पायर कर रहे हो हेल्प कर रहे हो प्रक्योर कर रहे हो उस बंदे के लिए उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए तो आपके लिए क्या सजा होगी तो so, यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश लॉ के अंदर भी वो वर्ड यूज होते हैं तो मैं आपको उसके साथ कंपेरेटिव एनालिसिस दे देता हूँ uh, वहां पर सेक्शन एट है आई थिंक एडर्स एंड अबेटर्स एक्ट का जो कि उस पर्टिकुलर चीज को डील करता है यहां पर हमारे पास 107 है जो अबेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है और उसमें जो तीन वर्ड्स यूज होते हैं वो एडिंग इनकरेजिंग एंड प्रोक्योरिंग होता है दो तो लोग होते हैं एक प्रिंसिपल होता है एक सेकेंडरी पार्टी होता है principal is the person doing the main secondary party is the one who abets or aids So let's look at section 107 which defines the abetment of a thing. So a person, a person abets the doing of the thing who first instigates any person to do that thing or secondly engages with one or more other persons or persons in any conspiracy for doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. So there are a couple of things here. The first one is the word instigates, istial dilata, right? The second word for us is to note down is conspire. So if there is a conspiracy, a planning. Hai. And the third one is where the person intentionally aids. So there are three words used within section 107. Whereas section 108 explains the term abetter. So the first one was abetting a thing. So when you are abetting a crime to take place. But a person who would be called and who would be qualified as an abettor is defined under section 108, which says a person abets an offense who abets either the commission of the offense. द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ओफेंस इफ कमिटेड बाय पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज दैट ऑफ अ बेटर सो अब देखिए उसने डिफाइन कर दिया उसने कहा कि कोई भी शख्स अबेटर होगा जो उस कमीशन ऑफ ऑफेंस को करने में जानबूझ के इंटेंशन और नॉलेज के साथ अबेट करता है उसको हेल्प करता है उसको क्या अबेट में क्या आ गया कंस्पायर, एड और इंस्टिगेट इन तीनों में से कोई चीज भी करते तो वो अबेटर होगा यानी सहूलतकार होगा अच्छा अब इसी तरह जो इसकी पनिशमेंट है यानी अगर आपने एक क्राइम करने में किसी को एड किया इंस्टिगेट किया या कंस्पायर किया बंदे ने तो जुर्म कर दिया आपने किसी को कहा जाके अपना बदला लो कत्ल कर दो और उसने कत्ल कर दिया तो अब क्योंकि आपने इनकरेज किया हुआ था आपने इंस्टिगेट किया हुआ था उस बंदे को तो आपके लिए क्या सज़ा होगी उसकी सज़ा लिखी है एक सौ नौ में और ये वो सेक्शन है जो कॉमनली चार्ज होता है अभी जिन जो सेक्शन ज़्यादा आपकी एफ आई आर में चार्ज होते हैं ना उनका उनके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन ऑन करूँगा याद रखिए कि ऑफेंस वो चार्ज होता है जिसमें उसकी पनिशमेंट ले आउट होती है कभी भी वो ऑफेंस चार्ज नहीं होता जिसमें उसकी डेफिनेशन होती है सर मतलब मैं मिसाल के तौर पे दे देता हूँ बहुत फेमस मिसाल है मतलब ये वो चीज़ है जो हर बंदे को पता होगी कि आप जब भी एफ देखते हैं मर्डर की तो उसमें 302 लगा होता है बड़ा मशहूर है सेक्शन 302 सौ दो वेयर एज मर्डर की डेफिनेशन या कत्ले आमत की डेफिनेशन सेक्शन 302 नहीं दे रहा वो डेफिनेशन तो सेक्शन थ्री में लिखी हुई है इसी तरह अबेटमेंट की डेफिनेशन 107 में है अबेटर की डेफिनेशन 108 में है लेकिन जो चार्ज होगा सेक्शन अगर आपने किसी को अबेट किया इनकरेज किया एड किया कंस्पायर किया तो क्या होगा चार्ज 109 चार्ज होगा 109 क्या है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट सो जहां पर स्पेसिफिकली अबेटमेंट का जिक्र नहीं हुआ किस कोड में तो वहां पर यह सेक्शन चार्ज होगा जहां पर जिस चीज को आपने अबेट किया है वो कमिट भी हुई है हु एवर अबेट्स एनी ऑफेंस बिकॉज आप देखेंगे कि ऐसे भी जरायम होते हैं जहां पर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेज हैं जहां पर आपने इंक्रेज किया कंस्पायर किया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं आया उसके एक्ट फर्दर परफॉर्म नहीं हुआ जिस बंदे ने करना था वो डर गया उसने नहीं किया तो उसके लिए भी हमारे पास जुर्म है उसके लिए भी कंस्पेरेसी का लॉ मौजूद है बट अबेटमेंट खास तौर पर एक सौ नौ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जहाँ पर आपने जिस चीज को अबेट किया यानी इंस्टिगेट किया कंस्पायर किया या एड किया, किया, किया उसके नतीजे या नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि उसमें वो एक्ट या ओमिशन कमिट हुई दबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाई दिस कोड द पनिशमेंट ऑफ सच बैटमैन बी पनिश विदिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर देंस फॉर देंस जो भी पनिशमेंट होगी उसम की वही पनिशमेंट यहां पर भी मिलेगी सो so, अगर एक जुर्म आपने इंस्टीगेट किया आपने उसको इश्तेल दिलाया किसी को बॉडली हर्ट करने का जाकर उसको मारो फला फला करो तो अगर उसकी सजा पांच साल तक है तो अबेटर की सजा यानी सहूलतकार की सजा भी पांच साल तक होगी सो so, वन जीरो नाइन बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोविजन है कि जो बंदा अबेट कर रहा है प्रिंसिपल की जो सजा है वो ही सेकेंडरी पार्टी की भी सजा होगी वही अबेटर की भी सजा होगी राइट right? बिशर् कि उसने वो एक्ट कमिट किया है लेकिन इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 120 जो है वो पर्टिकुलरली कंस्परेसी को डील करता है अब यहां पर कंस्परेसी और अबेटमेंट में क्या फर्क है अबेटमेंट में तो आपने इनकरेज किया एड किया असिस्ट किया इंस्टिगेट किया और वो जुर्म हुआ भी कंस्परेसी क्या है सिर्फ प्लानिंग कंस्पायर करना तकरीबकारी को सोचना वेरी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो सेक्शन 120 जो है वो पर्टिकुलरली 120 ए डील्स विद दिस पार्ट तो अहम जरा अगर इसके पार्ट्स को देखें वो कहते हैं व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू और कॉज टू बी डन जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इतफाक करें कुछ करने के लिए क्या करने के लिए एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट व्हिच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन सच अग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड इन क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी या तो इीगल एक्ट करो या इलीगल मीन से कोई काम करो ठीक इसी तरह वो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पेरे अनलेस द सेम एक्ट द दग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एन अग्रीमेंट इन परसुएंस देर ऑफ एंड सिमिलरली सेक्शन वन बी टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर कंस्पेरेसी ट इज सेक्शन वन ट्वेंटी बी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्परेसी इज टू ईर्स फॉर देंस दैट कैरी डेथ और लाइफ इन प्रिजनमेंट सो अगर कोई शख्स किसी खातून को रेप करने का दो लोग मिलकर प्लान करते हैं गैंग रेप करने का प्लान करते हैं थ्री सेवेंटी सिक्स बी में क्या सेंटेंस है डेथ सेंटेंस है और लाइफ इन प्रिजनमेंट है अभी वो सिर्फ प्लान किया है आपस में अग्री किया है एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो वो तो फिर अबेटमेंट में चला जाएगा या फिर वो अगर दोनों ने मिलके किया है तो वो तो सेक्शन 375, 376 में जाएगा लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ अभी सिर्फ प्लानिंग की हद तक अभी सिर्फ प्लान हुआ है कंस्पायर किया है दो लोगों ने आपस में तो उस सूरत में क्या है कि उनकी सजा दो साल तक हो सकती है सो तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि अबेटमेंट 107 से लेके 109 और पर्टिकुलरली 117 तक ये पूरा चैप्टर है लेकिन उसी के साथ क्रिमिनल कंस्पेरे है फाइव ए चैप्टर 5 जो पिछला चैप्टर था दैट इज चैप्टर 5 तो आपको कंस्पेरेसी भी पता लगे अब हमने देखें यहां पर एक छोटा सा माइंड मैप जहन में बनाते रहते हैं तो पाकिस्तान पीनरल कोर्ट कहां से स्टार्ट हो रहा था डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा था फिर क्या आगे आ गया डेफिनेशन के फौरन बाद से पनिशमेंट्स आ गई यानी चैप्टर टू जो डेफिनेशन था उसके बाद आ गई पनिशमेंट दस तरह की पनिशमेंट थी किसास दियत अर्श दमन इंप्रिजनमेंट उसके बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस फाइन फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह दस पनिशमेंट वो ये जहन में रखनी है फिर उसके बाद क्या हमने पढ़ा हमने उसके बाद चैप्टर फोर में चैप्टर थ्री के बाद चैप्टर फोर चैप्टर फोर में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ी डिफेंसेस But important defenses are necessity, duress, insanity, uh, self-defense, dolly in capax judicial exemption, mistake, mistake as to fact and law. So there are multiple defenses that are available from section 76 onwards to 106. Pirus foreign kya eating or abetting. Chapter 5 Yevala. जीरो सेवन से लेके वन सेवनटीन तक सहूलतकारी और फिर कंस्पेरेसी एक सौ बीस एक सौ बीस ए एंड बी ठीक यानी तकरीबकारी आपने प्लान किया है यू आर प्लानिंग टू डू सम इीगल एक्ट यू हैवेन डन इट बट यू आर जस्ट प्लानिंग इट तो उसकी सेंटेंस भी मौजूद है हमारे पिनल कोड में आगे चलते हैं नाव दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स बिकॉज फाइव के बाद फ़ाइव ए के बाद फौन चैप्टर नंबर सिक्स आ रहा है दिस इज़ ऑल दी अफेंसिस अगेंस्ट द स्टेट स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रिमिनल लॉ के साथ क्योंकि स्टेट ने इंश्योर करना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहे और स्टेट के खिलाफ बगावत ना हो तकरीबा दुनिया के हर मुल्क ने ऐसे कानून ज़रूर इैक्ट किए हुए हैं जो मेक श्योर sure करते हैं कि स्टेट को किसी तरह से खतरे में ना ना डाला जा सके So, हमारे पास सेक्शन 121 से लेके 130 तक वो तमाम जरा हैं जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई शख्स कमिट करता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी इस्टबलिश हो सकती है क्या क्या है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेजिंग ऑफ और टू वेज और अबेटिंग टू वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना सेक्शन इसमें अबेट यानी सहूलतकारी भी करना अगर कोई स्पाइंग कर रहा है किसी और फॉरेन स्टेट के साथ फिर कोशिश कर रहा है कि वो एक लश्कर बनाए और स्टेट के खिलाफ बगावत कर दे फिर इसी तरह कंस्पेरेसी टू कमिट 121 ए कंस्पेरेसी टू ऑफेंस पनिशेबल बाय 121, 121 क्या था कि आप स्टेट के खिलाफ जंग कर रहे हो करने लगे हो कोशिश कर रहे हो सहूलतकारी कर रहे हो वन ट्वेंटी वन ए क्या है आप प्लान कर रहे हो कंस्पायर कर रहे हो मंसूबा साजी हो रही है दैट इज कॉल्ड वन ट्वेंटी वन ए कंस्पेरि टू कमिट एन ऑफेंस सो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट यहाँ पर यानी अभी कुछ हुआ नहीं है कोई जंग शुरू नहीं की गई कोई मदद नहीं की गई किसी और की लेकिन एक प्लानिंग चल रही थी उस प्लानिंग की बुनियाद पर ही आपको लाइबल किया जा सकता है कलेक्टिंग आर्म्स सेक्शन 121 कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर आप असला इकट्ठा कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि आपने रियासत के खिलाफ बगावत करनी है 122, 123, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फेसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर सो अगर आप फेसिलिटेट कर रहे हो कंसील करके छुपा के जंग पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग करने के लिए इक्कीस से लेकर एक सौ तेईस तक है देअर ऑल रिलेटेड टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट उसमें कंस्पेरेसी भी आ गई उसमें कलेक्टिंग ऑफ आर्म्स भी आ गया उसमें बैटिंग भी आ गई उसमें कंसीलिंग विद इंटेंट टू फेसिलिटेट भी आ गया वन ट्वेंटी थ्री ए कंडन ऑफ़ द क्रियन ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेसी ऑफ इट सॉवरानिटी यानी रियासत के खिलाफ काम करना उसकी खुद मुख्तारीत यानी उसकी सॉवरानिटी के अगेंस्ट काम करना और ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करना एडवोकेट एड़ो, करना कि उसकी सॉवरानिटी को किसी तरह से अंडरमाइन किया जा सके ऑफेंस है मुल्क पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान का गैर कानूनी तरीके से नेशनल फ्लैग को रिमूव करना किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग से 123 बी है तो अगर आप किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हमला करते हैं और वहां से जाके स्टेट का फ्लैग रिमूव करते हैं तो ये खास तौर पर आपके लिए फेंस वन बी का मौजूद है

सेक्शन 124 ट्वेंटी इज देर 124 ए फोर बगावत बेसिकली रियासत के खिलाफ अब इसके ऊपर एक रीसेंट जजमेंट आई है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दी कंसीडर द रीसेंट व्यू ऑफ जस्टिस शाहिद करीम फ्रॉम द लाहौल हाई कोर्ट बिकॉज आपको पता है ये कानून बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली इस्तेमाल हो रहा था अगेंस्ट तो पोलिटिकल पार्टी सो so, उसकी वजह से इसके ऊपर एक बैकलैश आया और कहा गया कि दिस लॉ इज अल्ट्रा वायरिस यानी दिस इज अगेंस्ट द लॉ जिस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल फ्रीडम्स जो आपके आर्ट्स सेक्शन आर्टिकल एट से ऑनवर्ड दिए गए और इसको इस सेक्शन को पूरे को इलीगल कंसिडर कर दिया है कोर्ट ने अभी कोर्स ये हाई कोर्ट की जजमेंट है हो सकता है ये मैटर अल्टीमेटली जाए सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसके ऊपर फाइनल परडिक्ट आए क्योंकि ये अभी फाइनली डिसाइडेड नहीं है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकती बहरहाल एक बड़ी पावरफुल जजमेंट आई है और वो ये कह रही है कि ये जो सडिशन का लॉ है बगावत का लॉ है ये अक्सर पॉलिटिकल गेंस के लिए यूज़ किया जाता है और इसी की वजह से क्योंकि ये कलोनील माइंडसेट से लॉ इनहेरिट किया गया था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट इन असेंबली के ख़िलाफ़ है इस वजह से इसको जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया जाता है सो ये अभी एक जजमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग आप इसको रीड भी कर सकते हैं अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट को ज़रा एक्सप्लोर करें तो आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा फिर इसी तरह 125 ट्वेंटी फाइव है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द पावर एनी पावर इन द अलायंस विद पाकिस्तान तो किसी और मुल्क के साथ साजिश करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की कोशिश या जंग करना 125 है 126 ट्वेंटी सिक्स कमिटिंग डेप्रिटेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान वो तमाम रियासतें जिनका पाकिस्तान के साथ सुलह है उनके साथ मिल के उसके ख़िलाफ़ करना रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाई वॉर और डेपटेशन मैंशनड इन द सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव वन टवेंटी सिक्स यानी किसी तरह से पैसे लेना या कोई प्रॉपर्टी लेना उन रियासतों से या उन लोगों से जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की रियासत से जंग करना चाहते हैं पब्लिक सर्वेंट वॉलन्टारली अलाउंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू इस्केप तो अगर कोई शख्स जो कि पब्लिक सर्वेंट है पुलिस ऑफिसर है आर्म्ड फोर्स का मेम्बर है वगैरह वगैरह कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अगर किसी शख्स को जानबूझ के जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर है प्रिजनर ऑफ स्टेट है उसको भगाने की मदद करता है तो उसके लिए 128 है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू इस्केप सो uh, so, अगर मतलब उसमें इंटेंशन नहीं है लेकिन उसमें बहुत बड़ी ख़त थी तो वन ट्वेंटी नाइन का यूज़ हो सकता है ईडिंग स्केप ऑफ ऑफ और रेस्क्यूंगार्बरिंग सचनर सो अगर वो प्रजनर ऑफ वॉर या प्रजनर अगेंस्ट दिस तरह से सहूलत कारी फ्राहम करते हैं कि वो भाग सके हार्बर करें आप उसको अपने पास पना दें तो वो भी रियासत के ख़िलाफ़ बेसिकली एक जुर्म है सेक्शन 130 थर्टी सो वन टवेंटी वन so, से लेके इसमें ज़्यादा आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता लिया कि जो लेटली यूज़ हो रहा था लॉ क्लोनियल ये सारे लॉज हैं आ, सारे प्री पार्टीशन से पहले के हैं और आ, इनके अंदर ऑफ ऑफकोर्स कुछ तो स्टेट को प्रोटेक्शंस ऑफर करने के लिए रखे गए हैं लेकिन इनको इनका जो यूज़ज है वो बड़ा ही कॉन्ट्रवर्शल रहा है ख़ासतौर तो पर वन टवेंटी फोर ए का जिसका मैंने जिक्र किया पहले अच्छा इसी तरह अफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांकोलिटी सेक्शन 141 फोर्टी वन टू वन ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं अगेन ये भी आ, आ, बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं और उसकी रीज़न क्या है कि जब भी स्टेट को ये फील होता है कि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कंस्परेसी हो रही है लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये कानून जो हैं वो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंस uh, रखते हैं इसमें सबसे पहला है वन फोटी वन अन लॉफुल असम्बली ये सिंपली ये है कि अगर कुछ लोग एक कॉमन इंटेंशन के साथ uh, जस्ट इकट्ठे भी होते हैं और uh, वो अनलॉफुल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इजाज़त नहीं थी इकट्ठे होने की कानून के मुताबिक सेक्शन वन फोटी फ़ोर सी आर पी सी ने मना किया हुआ था कि चार लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक अन लॉफुल असेंबली होगी वन फोटी टू बींग अम्बर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली यानी आप उसके अंदर शामिल हो गए उसके बाद फिर उसकी पनिशमेंट दी गई है ये माइनर इसकी पनिशमेंट है वन फोटी थ्री फिर उसके बाद वन फोटी फोर ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन तो डेडली वेपन के आ, साथ अगर आप उस अनलॉफुल un असेंबली में होंगे यानी जिस तरह अगर रॉयड्स वगैरह होती हैं या प्रोटेस्ट होती हैं और उसमें बहुत से लोग एक हजूम इकट्ठा हो जाता है और उनके साथ आ, कुछ डंडे असलाह और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं तो उस सूरत में 144 अप्लाई हो सकता है ये वो 144 नहीं है जिसको हम दफ़ा 144 बोलते हैं जो सीआरपीसी का सेक्शन है जो कि अगेन पब्लिक ट्रांसपालिटी के लिए ही मेंटेन किया जाता है लेकिन वो मैजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो एक सर्टन टाइम के लिए कुछ प्रोहिबिशन को इनैक्ट कर सकता है बना सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वो एक टाइप है इनशाला जब हम सी का लेक्चर कवर करेंगे तो हम उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड रॉइटिंग का सेक्शन है सेक्शन 147 फोटी uh, सेवन रॉइड्स होती हैं कि ऐसी प्रोटेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अनफुल असम्बल हो जाएं और फिर वो तोड़ -फोड़ करें और उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें वेनएवर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज़ बायॉफुल असम्बली अगर किसी भी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती या इश्ताली या वायलेंस को इस्तेमाल किया जाता है बाय एनी मेंबर देअर ऑफ यानी अगर एक अनलॉफुल असेंबली थी उसमें दो चार लोग करते हैं तो वो पूरी जो असेंबली uh, है वो अनलॉफुल हो जाती है इसमें ये नहीं है कि हर बंदे नहीं उसको करना होता है तो ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसीिक्यून ऑफ द कामन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एवरी मेबर ऑफ सच असेंबली इज़ गिल्टी ऑफ दियरफेंस ऑफ़ writing, सो so, ज़ाहिर है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा गया है और उसकी वजह क्या है कि बेशक आप एक हजूम में इकट्ठे हुए हैं उसमें से दो चार लोग जो हैं वो मिसक्रियट्स हैं और वो कुछ गलत काम करते हैं तो वो तमाम लोग जो वहाँ पर साथ उस अनलॉफन असम्बली का हिस्सा थे उनको कट्ठा समझा जाएगा इसी तरह पनिशमेंट इसकी जो है जो रॉयटिंग की पनिशमेंट है वो वन फोटी सेवन में है जो कि दो साल तक हो सकती है और उसके साथ जुर्माना हो सकता है वन फोटी एट रॉइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन नॉर्मली अगर आप देखें तो so, 147, 148 की एप्लीकेशन आपको नज़र आदा ज़्यादा आती है बिकॉज जब भी कोई एक मॉब इकट्ठा होता है और वो राइट कर रहा होता है तो आप देखते हैं कि उनके पास किसी भी तरह के वेपन डंडे लाठियाँ वगैरह होते हैं तो उस सूरत में 148 की एप्लीकेशन हो सकती है 149 फोर्टी नाइन एवरी मेंबर ऑफ अन लॉफल असेंबली इज़ डिफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ़ द कामन ऑब्जेक्ट तो अगर एक ही मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए हुए थे उसमें से एक बंदे ने भी वो काम किया तो तमाम जो अनलॉफल असेंबली है वो तमाम के तमाम जो हैं वो उस चीज के मुरतकेब होंगे तो ये चैप्टर एट है 141 से लेके 149 तक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर जो आपने सेक्शन देखे वो अगेन सो so आप देखें कि ऑफेंसिज अगेंस्ट जो स्टेट हैं वन ट्वेंटी वन से लेके कर वन थर्टी तक और उसके बाद वन फोटी वन से लेके कर वन फोटी नाइन तक ये भी स्टेट ने अपने पास ही पावर रखी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप किसी भी तरह से इकट्ठे होकर मॉब मेन्टेलिटी लेके आप किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करते हैं या कुछ डैमेज करते हैं वगैरह वगैरह तो ये सेक्शन रेलिवेंट हो जाते हैं आपके अच्छा इसी तरह चैप्टर नाइन जो है दैट आर ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स तो ये आ, कुछ सेक्शंस हैं मैं इनको क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ सेक्शन 161 पब्लिक सर्वेंट्स टेकिंग अ ब्राइब 162 है अनदर पर्सन टेकिंग ब्राइब ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में उसने एजेंट रखा होता है मिडल मैन रखा होता है आप उसको पेमेंट करते हो और उसने पब्लिक सर्वेंट से कोई काम करवाना होता है पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट जो आप से के इम्पर्सनेट करते हो उसी तरह वेयरिंग अ गार्ब और कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट सो so, अगर लेट्स से कि आप पुलिस की वर्दी पहन के घूमना शुरू कर देते हो या फिर आप कोई ऐसा कार्ड बना लेते हो जो कि पब्लिक सर्वेंट का हो किसी आ, किसी भी फॉर्म के अंदर जिसमें आप फ्रॉजुलेंटली कोई काम करना चाह रहे हो अभी आपने अगर फ्रॉड का भी कोई काम साथ किया तो फिर आपके साथ क्यूमलेटिव ऑफेंसेस uh, जो फ्रॉड के रिलेटेड हैं वो भी अप्लाई होंगे फॉर्जरी के रिलेटेड भी होंगे काउंटर के भी रिलेटेड होंगे लेकिन एज फार एज जस्ट वेयरिंग एंड प्रटेंडिंग टू बी पब्लिक सर्वेंट तो उसके लिए भी आपके पास वन सेवेंटी एंड वन सेवेंटी वन मौजूद है इसी तरह लेस रेलिवेंट चैप्टर जिनको जरा हम पहले साइड पे कर देते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक सिचुएशंस को डील करते हैं और नॉर्मली एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन आप इनको एक दफ़ा क्विकली स्कम थ्रू कर लीजिएगा चैप्टर सेवन है ऑफेंस से रिलेटिंग टू तो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली डिजर्टर्स वग़ैरह जो भाग जाते हैं सर्विस के दौरान उनके लिए जो सेक्शंस हैं वन थर्टी वन से लेकर वन फोटी तक हैं सेक्शन चैप्टर नाइन ए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू तो इलेक्शन सेक्शन वन सेवेंटी वन ए टू जे सो अगर इलेक्शन कमीशन के अफसरान को तंग करना या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको तंग करना या उन में बैलेट बॉक्सेस को डैमेज करना या मॉब इकट्ठा होना ये सारे जो इस तरह के इलेक्शन रिलेटेड हैं क्योंकि इलेक्शन पाँच सालों में होते हैं एक दफ़ा तो उसमें ये प्रोविजन जो हैं वो लिमिटेड फॉर्म के अंदर ऑफकोर्स uh, मैं लिमिटेड इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये डेली मरा के अंदर यूज़ नहीं होती सिर्फ पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान हो सकती हैं हाँ जनरल इलेक्शन भी हो सकते हैं बाई इलेक्शन भी हो सकते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन भी हो सकते हैं किसी भी तरह के इलेक्शन होंगे और ये जरा अगर कमिट होंगे तो ये प्रोविजन जो हैं वो इन्वोक होंगी इसी तरह चैप्टर टेन की तरफ हम चले जाते हैं कंटेम्प्ट लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स यानी अगर आप पब्लिक सर्वेंट आपको बुलाता है कोई नोटिस वगैरह करता है और आप नहीं जाते तो उस कंटेम्प्ट के लिए आपके पास उसकी तलबी के लिए आप 172 से लेके 190 तक जो है क्रिमिनल प्रोविजंस हैं फेंस इज़ रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैंप्स अंडर सेक्शन टू फोर्टी टू ए चैप्टर टेल्व है ये uh, भी लेस रेलिवेंट है अब आप देखें कि बीच में मैंने कुछ सेक्शंस छोड़े हैं सो वन नाइन्टी ऑनवर्ड्स वो अभी वापस जाके मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो आ जाएंगे बिकॉज uh, ये मैंने वो सिर्फ चैप्टर्स डिस्कस किए यानी चैप्टर 11 हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर टेन से मैं सीधा चैप्टर ट्वेल्व पे आया हूँ जिसकी uh, जो रिलेवेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टैम्प्स को चेंज करना जाली काउंटर फिट स्टैम्प्स बना लेना या नोट्स प्रिंट करना या नोट्स जाली बना लेना तो उससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है चैप्टर थर्टीन ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मैयर्स है यानी अगर कोई दुकानदार जो है या आ uh, कोई भी जो वेंडर है वो नाप तोल में कमी करता है तो उसके लिए भी क्रिमिनल अफेंसेज रखी गई हैं सेक्शन 264 से लेके 267 264 से लेके 267 चैप्टर नंबर 13 वो इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है वेट्स एंड मेयर्स के रिलेटेड सो so, अगर आप नाप तोल में कमी करें चैप्टर 11 मैंने कहा था चैप्टर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 190 से ऑनवर्ड्स 191 से स्टार्ट हो जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही चैप्टर 11 परजरी एंड फॉल्स एक्विजिशन मैंने यहाँ पे किया है चैप्टर uh, के अंदर दो चीज़ें हैं कि अगर आप परजरी कहते हैं आप जूटी गवाही देने को सो so, अगर आप सेक्शन 191 के मुताबिक कोई भी फॉल्स एविडेंस देते हैं तो दैट विल फॉल इंटू परजरी फैब्रिकेटिंग अगर आप गलत एविडेंस क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिल गिव यू एन एग्जाम्पल इसमें इमेजिन अचुएशन जहाँ पर एक बंदे ने खुद से फायरिंग की और उसके बाद उसने एम जो हैं उनको कहा कि ये मुखालिफ पार्टी ने मेरे पे फायर किया और ये एम जो हैं ये उसमें से निकली हैं वेर एज फायरिंग उस बंदे ने खुद की थी तो वो क्या कर रहा है फेब्रिकेट कर रहा है ख़ुद से जाली एविडेंस क्रिएट कर रहा है जो कि एक निट सेल्फ क्रिमिनल फेंस है सो द पनिशमेंट ऑफ पर्जरी एंड फॉल्स एविडेंस इज़ अप टू सेवन इयर्स एंड अलोंग विद दैट इज़ फ़ाइन सो बड़ा सख्त uh, सज़ा है और सख्त जुर्म है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत तरह की एविडेंस या गवाही देते हैं फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर सो इंजर क्या है रेपटेशन है माइंड है फाइनेंस है प्रॉपर्टी है और इवन हर्ट है उसमें सारे चीज़ें आ जाती हैं सो so, ये जो लोग जाली मुकदमें करते हैं एक दूसरे के ऊपर और फॉल्स चार्जेस के झूठी इल्ज़ाम लगाते हैं सो so, कोई भी शख्स जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है वो 211 के अंदर आ जाता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद द इंटेंट टू इंजर अब आप लोगों का एक सवाल यहाँ पर जहन में आ रहा होगा कि क्या सर पुलिस वालों के ऊपर भी लगाया जा सकता है जब uh, वो एक फॉल्सली आपको चार्ज किया जा सकता है यस yes, इसके लिए जो कामन आपके पास रेमेडी है वो मिलिश uh, प्रोसिक्यूशन की एक रेमेडी है जो आप कर सकते हो और उसमें आप अगर आप इस्टेब्लिश कर लो मलिशियस नेस्ट को तो आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हो उस पर्टिकुलर केस के अंदर Um, इसी तरह सेक्शन 228 है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशल प्रोसीडिंग्स सो बेसिकली इट्स द ऑफ़ कोर्ट एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोवाइडेड एक कंटेम्प्ट एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है इस सेक्शन uh, के साथ साथ लेकिन वन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ जुडिशल प्रोसीडिंग्स दैट कोड बी अगजिव मैजिस्ट्रेट दैट कोड बी अ मैजिस्ट्रेट और उसके साथ आप बदतमीजी करते हैं आप उसको रोकते हैं टोकते हैं बार बार तंग करते हैं तो उस सूरत में बेसिकली की पावर आपके पाकिस्तान पीनल कोर्ट ने उसकी सेंटेंस भी बता दी हुई है उसकी पनिशमेंट भी बता दी हुई है सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड सो चैप्टर एलेवन इसमें क्या है झूठी गवाइयाँ देना और गलत इल्ज़ाम लगाना और तीसरा क्या है कि कंटेम्प्ट करना कोर्ट के खिलाफ यानी बदतमीजी करना कोर्ट के साथ या उस ऑफिसर के साथ जो कि उस प्रोसीडिंग को टेकअप कर रहा है उसी तरह अगर हम चैप्टर फोर्टीन पर चले जाते हैं बिकॉज बीच में जो आपको लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसमें ट्वेल्व uh, और थर्टीन था मैंने आपको पहले भी मार्क करवाए इनको देख लें ट्वेल्व और थर्टीन क्या था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन ट्वेल्व आ गया और थर्टीन क्या आ गया वेट्स से रिलेटेड सो टू सिक्सटी सेवन तक आपके सेक्शंस कवर हो जाए अब आगे चलते हैं ऑफेंसेस इफ़ेक्टिंग दी पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वेंस एंड डिसेंसी एंड मॉरल्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी इसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड तमाम चीज़ें आ जाती हैं और डिसेंसी एंड मॉर भी आ जाते हैं दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग दो लेकिन उस कानून के ऊपर अपनी बहुत सी हर एक की रिजर्वेशंस हैं कि हाउ कैन द स्टेट डिटर्मिन मोरेटी एंड डिसेंसी और कुछ सेक्शंस हैं जो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शन हैं आगे जा कर डिस्कस करते हैं पहले बात कर लेते हैं पब्लिक न्यूसन्स की देखें न्यूसन्स दो तरह की है प्राइवेट न्यूसन्स हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हमसाया आपको तंग कर है और आप उसके खिलाफ सिंपल एक इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं लेट्स से कि वो रात को ऊंची आवाज़ में कंस्ट्रक्शन या कुछ करना स्टार्ट कर देता है तो वो एक न्यूसेंस है लेकिन वो प्राइवेट नेचर की है पब्लिक उससे अनोयई नहीं हो रही आप उससे अनोय हो रहे थे बट सेक्शन 268 मेक्स पब्लिक न्यूसेंस अ क्रिमिनल ऑफेंस

ऑक्युपाई अ प्रॉपर्टी यानी वो यहाँ तो रह रहे हैं या उसको प्रॉपर्टी को ऑकुपाई करें इनवेटी और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी ऑब्सट्रक्शन डेंजर और अनाउंस टू एनी पर्सन हु मे हैवकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट तो बेसिकली रोड के ऊपर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे Uh, जिसमें बाकी लोग अनोय हो रहे हैं अ कॉमन न्यूसेंस इज़ नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज सो कॉमन न्यूसेंस जो है इस वजह से नहीं हो सकती कि जी इसका कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को इस वजह से वो उसको एग्जेम्पन मिल जाएगी नो नॉट एट ऑल ये जो कुछ ऑफेंसेस हैं ये थोड़े से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस हैं टू नाइन से लेकर 294 बी तक इसमें ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग नेगलिजेंस आ जाते हैं कि अगर आपसे uh, कोई मशीन मिसयूज़ हो जाती है कोई सब्सटेंस होता है कोई ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई काम आप कर रहे थे उसमें नेग्लिजेंस आ गई फिर इसी तरह जो मोरालिटी से रिलेटेड सेक्शंस हैं उसमें चाइल्ड प्रनोग्राफी है ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है टू नाइन्टी टू ए बी एंड सी पर्नोग्राफी uh, से रिलेटेड और उसके बाद आपके पास ऑफसेंगस एंड ऑप्सन एक्ट्स ये वो सेक्शन है जो मैं कह रहा था कि काफ़ी कॉन्ट्रवर्शल हो जाता है बिकॉज़ ये uh, पुलिस वालों के पास इसी तरह से एक राइट right है जो आप देखते हैं कॉमनली uh, वो यूज़ करते हैं किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर लेट्स uh, ए के उन्होंने पार्क में किसी लड़का लड़की को देख लिया और उन्होंने कहा जी अब आप आएँ आप दिखाएँ निकाह नामा ऑफकोर्स बाई लॉ दैट्स नॉट जस्टिफाइड बट दे डू हैव द पावर अन द पावर कैन इज़ कंटेंडर टू नाइन्टी फोर अब वो अपसिन सॉन्ग्स आप सोच रहे हो कि नहीं इसमें अपसिन एक्ट्स का वर्ड्स भी यूज है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ अपसिन सॉन्ग्स एंड एक्ट्स है सो so वो डाल देते हैं ये मुकदमा अब ऑफकोर्स उसको जजिस कितना सीरियस लेते हैं और मतलब एज प्रैक्टिशनर्स हम लोग कितना सीरियस लेते हैं यहाँ हमें पता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल लिमिटेड है और ये बड़ा ही मतलब सब्जेक्टिव सा मामला हो जाता है क्योंकि जो चीज़ किसी और को इमोरल लग रही है हो सकता है दूसरे को मॉरल लग रही हो तो खैर आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट मोर ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन बहरहाल ये एक वो पावर है जिसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है सेक्शन 294 को आम, इसी तरह गैमलिंग से रिलेटेड दो सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 294 ए हैं एंड 294 बी है यानी अगर आप किसी भी तरह की लॉटरी या गैम्लिंग का जो सिलसिला है उसको करते हैं ऑफ़कोर्स आपको पता है शराही तौर पर दैट इज़ नॉट अलाउड हमारे रिलीजन के अंदर बींग पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक देर फोर ये सेक्शंस पीपीसी ने रखे हुए हैं जो कि गैमलिंग और uh, उससे रिलेटेड जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने के लिए क्रिमिनल फीलिंग्स जो हैं रिलीज़स फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो सकें